दोस्तों आज का वीडियो है हमारा समर ऑयल के रिगार्डिंग, जो मई महीने में समर ऑयल की जाती है, क्या उसकी डोज रहेगी, क्या उसके फायदे होते हैं। तो कुछ भाई के क्वेश्चन आए थे कि इसके बारे में वीडियो बनाएं, तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि इस तरह की जो वीडियो है वो आप लोगों तक पहुंचते रहे। आप हमारे को इंस्टा फेसबुक पे फॉलो करना ना भूले, क्योंकि वहां पर भी मैं पेज के थ्रू या ऐसी रील्स के थ्रू थोड़ी बहुत ही इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं। तो जो समर ऑयल होता है HMO बोल लीजिए, उसकी जो डोज आजकल रहेगी, वैसे जो सबसे अच्छा मेरे को लगता है वो सर्वो वालों का ही जो प्रोडक्ट है या समर ऑयल है वो मुझे सही लगता है। और इसकी जो डोज रहेगी, डोज आपकी रहेगी 2 लीटर 198 लीटर पानी में, और उसमें वैसे तो हमें कुछ मिलाना नहीं चाहिए, पर अगर आप कोई कुछ मिलाना चाहते हैं, जैसे मजिस्टर वगैरह और दवाइयाँ मिलाते हैं, तो आप मिलाने से पहले, वैसे मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप लोग उसे डालें, पर अगर फिर भी आप लोगों को उसमें डालना है तो आप लोग तेल डालने से पहले उसको, मतलब 198 जो 200 लीटर का हमारा ड्रम होता है, तो उसमें पहले आप दवाई को मिक्स कर ले, दवाई जो आपने एक्स्ट्रा उसमें ऐड करनी है, उसके बाद आप तेल को उसमें मिलाएं। नहीं तो क्या हो जाता है कि जैसे आप पहले तेल उसमें डालेंगे पानी के बीच, तो वो जो दवाई होती है अगर वो पाउडर फॉर्म में है तो वो गोले से उसमें बन जाएंगे और वो अच्छे से मिक्स नहीं होगी। इसलिए पहले आप जो भी आपने और उसमें दवाई डालनी है उसको आप डालें। तो माइट से हमें फायदा क्या होता है, मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं। एक तो ये जो हमारे माइट के जो अंडे होंगे उसको, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर वो चिपक गया, एक प्रकार से वो लेमिनेशन सी हो जाती है, तो जिसकी वजह से जो वो अंडे वगैरह होते हैं वो नहीं फट पाते और इनकी जो संख्या है वो ज्यादा नहीं बढ़ पाती। तो आप एक तो ये आपको माइट में फायदा कर देगा, और दूसरे जो दूसरे कीट है इसमें, उसमें भी ये कहीं ना कहीं ये हमारी हेल्प करता है। जहां जो भी कीट को ये कॉन्टेक्ट में आ जाएगा, वो कीट कहीं ना कहीं वो जो है वो मर जाएगा, और आपका ये कीटनाशक का काम भी ये करता है, पेस्टिसाइड का भी ये काम कर ही लेता है, इंसेक्टिसाइड का काम ये कर ही लेता है, और साथ में ये कुछ मित्र कीटों को भी नुकसान हमारे पहुंचाता है। ऐसा नहीं है कि सारा ही इसी तरह से हमें फायदा ही फायदा देगा, थोड़ा इसका नुकसान होता है, मित्र कीट को भी ये थोड़ा बहुत नुकसान कहीं देता है, पर ये औरों के मुकाबले जो हमें समर ऑयल है माइटीसाइड, जितनी माइट की दवाई आती है वो काफ़ी महंगी पड़ती है, काफ़ी महंगी पड़ने की वजह से ये उनके मुकाबले सस्ती पड़ती है। 130-140 रुपए लीटर ये आपको खुले में मिल रहा है, अगर आप इसकी पैकिंग ले लेंगे 10 किलो की 20 किलो लीटर की, तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा। वैसे ये आपको ये 130-140-120 वो एरिया देख के होता है, हो सकता है जो लोग हॉट क्लाइमेट वाले हैं या निचले क्षेत्रों के हैं वहाँ पर आप लोगों को सस्ता मिल जाए, और हमारे जितने हम ऊपर ऊपर हाइट में जाएंगे उतना ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ता है, तो जाहिर सी बात है कि दवाइयाँ भी थोड़ी सी, ज़्यादा फर्क नहीं होता, थोड़ा बहुत 10-15 का लीटर में आपको 5-10 का फर्क मिलेगा। तो ये हमारे को जो है HMO बोल लीजिए या आप समर ऑयल बोल लीजिए, उससे हमें फायदा होता है। तो समर ऑयल की स्प्रे आप लोग अभी कर सकते हैं लगभग 20 मई तक, और हाइट वाले 25 मई तक भी कर सकते हैं, जिनका तुड़ान अक्टूबर में होगा, कुछ क्षेत्र ऐसे भी है जहां पर सितंबर अक्टूबर में तुड़ान होगा, तो वो भी इसका जो है 20 मई तक आप लोग अगर आपने समर ऑयल करना है तो आप लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और एक और बात ये है कि अगर समर ऑयल की स्प्रे आप पूरी अच्छे से करें, ऐसे चलते चलते स्प्रे ना करें, हल्की फुल्की स्प्रे ना करें, उसकी पूरी अच्छे से आपने समर ऑयल की स्प्रे करनी है। जैसे अगर आपके एक ड्रम कहीं लगता है तो वहाँ पर आप 1.5 ड्रम
समर ऑयल की स्प्रे कर ले ताकि जो इसके सारे पार्ट है वो फिल हो जाए। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर अगर ये फिल हो जाएगा वुल्ली एफिड को भी ये मारेगा, बहुत से जो इंसेक्ट है उनको ये मारने में हेल्प करता है। अगर आप स्प्रे इसकी अच्छे से करेंगे, डोज आपकी डोज को बिल्कुल भी आप ना बढ़ाए, डोज आपकी 2 लीटर ही रहेगी। आपकी जो स्प्रे है वो अच्छे से होनी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारे को इंस्टा फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।